बाबा साहब ने जो धर्म दीक्षा दी समाज निर्माण करने के लिए, तो समाज का निर्माण कैसे होगा? समाज किसको कहते हैं? एक जैसे जिसके रीति रिवाज हो उसको हम एक समाज कहते हैं। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। ठीक है, समाज की परिभाषा सिंपल है, एक जैसे रीति रिवाज करने वाले लोगों के समाज को ही समाज हम कह सकते हैं। ये इनका समाज, जैसे अभी हम बोलेंगे ये ईसाई समाज है, ये मुस्लिम समाज है, ये हिंदू समाज है, हिंदुओं में भी अलग अलग कैटेगरी के समाज है। बौद्धों का समाज कभी बना नहीं, बौद्ध समाज, बाबा साहब ने बौद्ध समाज का यहाँ पर जिक्र किया, बौद्ध समाज शब्द लगाया, तो बौद्ध समाज कैसे बनेगा? तो बौद्ध समाज बनने के लिए 22 प्रतिज्ञाएं हमारा आधार है, ये आधार है, 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब का दिया हुआ ही आदेश है, तो इसको सभी इंप्लीमेंट करेंगे। ये खंड 16 आपके पास में, सबके पास नहीं होगा, तो ये अभी गूगल में अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। और ये है जो पाली डिक्शनरी और पाली इंग्लिश मराठी का और गुजराती का भी, और इसमें बौद्ध पूजा पाठ लास्ट में है। अब ये जो बात है बौद्ध पूजा पाठ वाली, ये बताना बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध पूजा पाठ क्यों लिखी है, तो ये हम समझेंगे। और इसमें जो बाबा साहब की प्रस्तावना वो मराठी में है, ये आपको बहुत जरूरी है पढ़ना, बहुत ही जरूरी है। बौद्ध धर्माचार प्रसाराबद्दल लोकामध्ये ज्या दिवसापासून आतुरता उत्पन्न झाली आहे त्या दिवसापासून बौद्ध धर्म म्हणजे काय व त्याचे वाङ्मय काय आहे व कोठे काय मिळते या संबंधाने भारतीय जनतेमध्ये अतिशय मोठे कुतूहल दिसून येते। काही वर्ग कुतूहलाच्या मर्यादे, माफ करना मराठी में अच्छी, मैं मराठी जानता नहीं हूं पर पढ़ रहा हूं, मर्यादे पलीकडे गेलेले दिसतात, त्यांना बौद्ध धर्माच्या वाङ्मयापेक्षा बौद्ध धर्माचा पूजा पाठ कशा प्रकारे होते हे जाणून घेण्याचे एक वेळच लागले आहे। ये बाबा आंबेडकर लिखते हैं कि बौद्ध संस्कार पाठ इसी प्रकाशन से प्रकाशित होगी, 26 अलीपुर रोड सिविल लाइन दिल्ली, 24 फरवरी 1956। ये बाबा साहब अंबेडकर का लिखा हुआ ये बौद्ध पूजा पाठ किताब है। और बौद्ध पूजा पाठ किताब में जैसे कि हमारे साथियों ने बताया कि इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है जो हमको मदद करेगा एक रूपता लाने के लिए, क्योंकि हमें इसमें एक रूपता लानी है। और एक रूपता कैसे आएगी? अभी हमने पुणे में एक अधिवेशन लिया था 2 साल पहले, तो वहां बात आई कि लोग तो अभी भीम स्तुति करते हैं। हमने विचार किया अपने टीम में, हमने कहा भीम स्तुति गलत है, बाबा साहब ने कहा मैं मूर्ति पूजक नहीं मूर्ति भंजक हूं, मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए, व्यक्ति पूजा नहीं होना चाहिए, हम बाबा साहब की पूजा करने बैठ गए तो ये गलत है। तो इसका हमने वहां पर प्रस्ताव पास किया और उसको हमने बंद किया। सो अब कैसे हो, यदि पारिवारिक धर्म संगोष्ठी इसको बोलती है कि ऐसा मत करो तो पता नहीं कितने लोग मानेंगे कितने लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा तो अभी ना तो रजिस्ट्रेशन है, जरूर 8-10 स्टेट में हमारा काम चालू है, काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा तो अभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आदरणीय चंद्रबोधी पाटिल साहब है और वो उनका राष्ट्रीय संगठन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का ओरिजिनल संगठन है, ये दि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल के गोंदाड़े साहब बैठे हैं, हमारे रवि नागले सर बैठे हैं या और भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के संगठन बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संगठन है, ये यदि इस काम को हाथ में लेते हैं तो ये पूरे देश में इंप्लीमेंट करने में हमको आसानी होगी। दिस इज द पर्पस, ये मीटिंग करने का उद्देश्य ये है। हाँ, दीक्षा भूमि ट्रस्ट के आदरणीय भंतेनाथ दीपांकर जी, सो ये लोग मिलकर के करेंगे, एक छोटी सी भी किताब निकाल दे ऐसा होना चाहिए, मैं बताता हूँ ये काम हमारा है, हम प्रचारित कर देंगे, हमारी ताई ने कहा, प्रिया ताई ने कहा और भी हमारे ताई लोगों ने कहा कि हम प्रचार करने वाले, हम है ना, हम फील्ड में जाने के तैयार है, हमारी टीम है, बैतूल की टीम, कहीं पे भी दिल्ली में हरियाणा में गुजरात में राजस्थान में और कर्नाटका में हमारी टीम काम कर रही है, हमारी टीम तो बहुत जगह काम कर रही है, अभी ऑनलाइन की वजह से तो और फैल गया हमारा काम, बहुत ज्यादा दूर तक चला गया। सो एक बार यदि आदेश कर दे पूज्य बंदे जी और आदरणीय चंद्रबोधी पाटिल साहब की, नहीं ऐसा ऐसा होना चाहिए, बाबा साहब का संगठन कह रहा है क्योंकि बाबा साहब ने लिख के दिया है ऐसा ऐसा होना चाहिए, हम नहीं कह रहे, ये मिलिंद बोध नहीं कह रहा है कि ऐसा होना चाहिए, एक बार इंप्लीमेंट करने आप बोल दीजिए कि ऐसा करना है, हम तो इंप्लीमेंट करवा देंगे, गांव गांव जाएंगे, हर बाबा साहब कहते हैं मेरा बचा हुआ जीवन बहुत हमके प्रचार प्रसार में लगाऊंगा, हम क्यों नहीं लगाएंगे भाई, हम बाबा साहब के मानने वाले तो हमारा जीवन क्यों नहीं लगेगा, आफ्टर रिटायरमेंट सारे सीनियर सिटीजन तय कर लो कि हमारा जीवन इसी काम में लगेगा, निकल पड़ो घर से बाहर, निकल पड़े घर से बाहर, क्यों नहीं भारत बहुत में होगा, क्यों नहीं होगा मुझे बताइए, तो भारत तो बहुत में होके रहेगा, एक रूपता आके रहेगी,
काम शुरू करना पड़ेगा। और काम कहां से शुरू करेंगे? मेरे से। मैं अपने से काम शुरू करूंगा, आप अपने से काम शुरू करेंगे। पहले घर को जैसे प्रिया ताई कामले ने किया, किया अपने से परिवर्तन किया। वो संगोष्ठी में रोज जुड़ती है, बताती है कि मैं कैसे पढ़ी, कैसे इतना हायर स्टडी कर लिया उन्होंने। सो सभी लोग कर सकते हैं, एवरीबॉडी कैन डू, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं है, संभव है। बस एक बार इच्छा शक्ति जागृत होना चाहिए। आज ये पहली बैठक है। आदरणीय उमेश सर को मैं बताना चाहता हूँ, आप हिम्मत मत हारिए सर, आपने बहुत मेहनत की है। जो आपने किताब लिखी है वो मैंने लाया हूँ, मैंने सारी किताबें मेरे पास है, चाहे जबलपुर की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे बालाघाट की हो, चाहे भोपाल की, सभी किताबें, भद्रावती की सब किताबें हमने जमा कर ली है। और यदि ये समिति बनती है, हम आदरणीय चंद्रबोधी पाटिल साहब की मदद से एक कमेटी बनाइए, एक समिति बनाइए और उसको सबको संकलित करिए और मिनिमम संस्कार बनाइए। मिनिमम मिनिमम होना चाहिए, त्यौहार भी मिनिमम। बाबा साहब ने कहा हमारा समाज गरीब है, ये साल भर यही करते रहता है, ये त्यौहार आया, वो त्यौहार आया, ये आया, वो आया, ऐसा खर्चा करते रहता है। तो मिनिमम करें। मिनिमम क्यों करें? क्यों संस्कार जरूरी? आइडेंटिटी फॉर्म करने के लिए, आइडेंटिटी फॉर्म करने के। अब मैं इसी के शुरुआत में एक बात और बताना चाहता हूं। बाबा साहब अंबेडकर का इसी में एक चित्र छपा हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं, आप अपने घर में भी देख सकते हैं, डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। ये चित्र है, देखिए सर, बोधी सर, ये चित्र है, बंदे जी, देखा आपने? क्या है इस चित्र में, खासियत क्या है इसकी? धागा है इसके अंदर। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के दाहिने हाथ में सफेद धागा बंधा हुआ है। काय का धागा है? परित्राण का धागा, पंचशील का नहीं है सर, पंचशील का धागा नहीं बोलना इसको, ये परित्राण का धागा है। कई लोग परित्राण का विरोध करते हैं, कई लोग धागे का विरोध करते हैं, तो हम बाबा साहब से ज्यादा विद्वान हो गए क्या? हमारी आइडेंटिटी हमारे धागे से हो सकती है। पंचशील का पालन तो हमको करना ही है, जैसे हमारे जागरो सर ने कहा, बिल्कुल पंचशील मस्ट, पंचशील तो हमें पालन करना ही है। उसके बाद में जो थोड़ा आगे बढ़ गए तो अष्टशील करना है, उसके आगे बढ़ गए तो सामने बन करके दसशील का, ये सब तो लाइन अप है धीरे धीरे धीरे। लेकिन अपरेंटली आपकी आइडेंटिटी कैसे फॉर्म होगी? पूज्य बनते सुमन वर्णो का याद करता हूं, उन्होंने अमरावती में हमसे ये प्रश्न किया कि आप राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं, आपकी आइडेंटिटी क्या है? मैंने कहा मेरा नाम मिलिंद बौद्ध है, ये मेरी आइडेंटिटी है। और नहीं, ये तो आपने नाम बताया तब है, अब बिना नाम बताए कुछ हो जाए तो आपकी क्या आइडेंटिटी है? तो मैंने कहा नहीं, ऐसी तो कोई आइडेंटिटी नहीं है बनते जी हमारी। बोले आपका ये फार्मूला बहुत अच्छा लगता है, बौद्ध बनो, बौद्ध दिखो, बौद्ध दिखो। बोले मैं टीवी में देखता हूँ, लाड़ बुद्धा में देखता हूँ, आपके प्रवचन सुनता हूँ, अच्छा लगता है कि आप काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। हमारे महाराष्ट्र में तो अभी भी लोग बौद्ध नहीं लिख रहे हैं, तो कारण क्या है? तो कारण तो मैंने अभी पूछा उनसे, हमारे उमेश सर से, तो कहा सर मैंने तो कर लिया, मैंने मैत्रेय कर लिया, हमारे सर ने, हमने आरपीडीएस वालों का ताई ने, हमारे उषा ताई ने बौद्ध कर लिया, प्रसेंजित सर ने फुसाटे से प्रसेंजित हो गया। कितना लोग उनको अभी, क्योंकि एक पीढ़ी जाएगी, एक पीढ़ी को कुर्बानी देनी पड़ेगी, दूसरी पीढ़ी का नाम इंप्लीमेंट हो पाएगा, एक पीढ़ी में नहीं होता है, तो ये करना पड़ेगा, ये करने के बाद में बात आगे बढ़ेगी। तो सुमन वर्णो बनते ने कहा, एक एग्जाम्पल दिया, एक बार एक एक्सीडेंट हो गया, कोई व्यक्ति किसी एक्सीडेंट में घायल हो गया, खून बह रहा है और वो तड़प रहा है, कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था, भीड़ लगी, सब देख रहे हैं, कोई फोटो बना, वीडियो बना रहा है, कोई फोटो खींच रहा है, ये सब हो रहा है, पर कोई मदद करने को तैयार नहीं आया। इतने में एक आदमी कार वाला वहां आया, उसने देखा, ध्यान से देखा और तुरंत सबको हटाया और उस व्यक्ति को लेके अपने कार में लिटाया, लिटा करके हॉस्पिटल ले गया और उसको एडमिट कर दिया, और एडमिट करने के बाद उसकी जान बच गई। पता क्या देखा उसने? उसके दाहिने हाथ में सफेद धागा था, और इसीलिए चूंकि वो आदमी बुद्धिस्ट था, उसको क्योंकि सफेद धागा कोई नहीं बांधता, पूरे देश में उठा, ब्राह्मणों ने सफेद धागा अपने लिए रिजर्व करके रखा है जनेऊ के रूप में, सिर्फ जनेऊ बांधता है वो सफेद धागे का, बाकी सबको लाल, काला, पीला, यही धागे सबके लिए हैं, पूरे देश में जितने भी लोग हैं, सफेद धागा परित्राण के माध्यम से बौद्धों के लिए अभी बाबा साहब ने हमको ये अधिकार दिया है कि हम सफेद धागा बांध सकते हैं। सो भंते जी की ये बता रहा हूं मैं, अब ये डिसाइड करेंगे, हमारे आरपीडीएस ने भी डिसाइड नहीं किया है, और नहीं हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया वाले, ये डिसाइड करेंगे, उस किताब में लिखे कि भाई ऐसा ऐसा कर सकते हैं, तो ये एक हमारी आइडेंटिटी, अपरेंटली आइडेंटिटी बनती है। लेकिन इंटरनल आइडेंटिटी तो हमारा शील सदाचारी बनेगा, शील सदाचार बनेगा। फिर हमने बोला बौद्ध दिखे, तो दिखने के लिए हमारे बहनों के जो श्रृंगार है ये हटाने पड़े, ये गुलामी की निशानियां हैं, चाहे मांग हो, चाहे चूड़ी हो, चाहे गरसोली, ये सारी चीजें हटानी पड़ेगी। और घर का एटमॉस्फियर, धम्म ध्वज होना चाहिए, धम्म चक्र होना चाहिए,
तो ये आपके घर की आइडेंटिटी, घर के अंदर बाबा साहब, भगवान, बुद्ध और हमारे महापुरुष के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, ये हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी। और उसके बाद में लिखने की बात आती है, हमने लिखने को लास्ट में रखा है। सोन वर्णो भंदे जी कह रहे थे लिखना पहले रखो, आप पहले लिखने का बात करो। हमने कहा नहीं भंदे जी, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, लोग समझे तो सही। पहले दीक्षा लेकर के बौद्ध बने, बौद्ध बनने के बाद में थोड़े आचरण में आ जाए तो बौद्ध दिखना चालू करें, फिर लिखेंगे। तो जनगणना अभी तो हुई नहीं, फिर भी होगी, जब भी हो तो आप हो या नहीं हो, जनगणना हो उसका इंतजार मत करो। क्योंकि अभी उमेश सर ने बताया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैंने तुम्हारा संबंध बौद्ध धर्म की दीक्षा देकर के विदेशों से जोड़ दिया। विदेशों से हमारे तार जुड़ चुके हैं, पर विदेशी लोग ये ना कहें कि बौद्ध धर्म को महारों के कारण बदनाम हो गया, ऐसा नहीं कहना चाहिए। इसलिए महारों को इंगित करके कहा था कि आप अपना आचरण शुद्ध रखो, बौद्ध धर्म के अनुसार आचरण करो, तो हम लोगों ने ऐसा करना चाहिए। तो आचरण पक्का होना चाहिए और हमारी आइडेंटिटी के लिए बौद्ध लिखना भी चालू करें। अपने सरनेम हटा दीजिए, ये बाबा साहब ने वॉल्यूम नंबर कौन सा है, वो 38 में है, 38 में आप पढ़ेंगे, बाबा साहब का भाषण है, उसमें कहा कि अपने जातिगत कुचल्य हटा दीजिए, एलिनेशन ऑफ कास्ट में भी कहा बाबा साहब ने, हम बौद्ध क्यों बने इसमें भी बाबा साहब ने कहा, दो तीन जगह बाबा साहब का रेफरेंस है। तो ये हमने पढ़ा और पढ़ करके हम लोगों को कहते हैं कि बौद्ध लिखना जरूरी है। अपनी पुरानी सरनेम हटा दीजिए, हटा ये, इससे आपकी जाति पता चलती है। जैसे ही आपने कोई सरनेम लगा, कोई भी सरनेम लगा लो, भारत के अंदर की कोई सरनेम, वो आपकी जाति ही बताती है, उसको पता चल जाता है। वो यदि आपने नाम बता दिया, मान लो आपने बताया राहुल, तो राहुल से वो संतुष्ट नहीं होगा, तो आगे क्या है, आगे बोलो, आगे बोलो। तो जब आगे आप बोलते हैं कि नहीं राहुल मेशराम है, तो अच्छा अच्छा मेशराम है, हाँ, तो उसका बोलने का लहजा ही बदल जाता है, अच्छा मेशराम है, ओके, ये स्टाइल है। सो हमारे देश में जाति का पहचान होती है आपकी सरनेम से। और बाबा साहब ने बहुत 35 में एलिनेशन ऑफ कास्ट लिखा है, उस एलिनेशन ऑफ कास्ट को पढ़ करके काशीराम साहब ने पूरा आंदोलन किया था देश के अंदर। उस किताब के अंदर ये बात लिखी है कि आपको जातिगत कुचल्ले हटाने चाहिए। क्यों नहीं हटा रहे, इतने साल हो गए, तो कारण वही है रिजर्वेशन। अब तो बचा ही नहीं, सारा कुछ प्राइवेटाइजेशन हो गया, रिजर्वेशन नाम की चीज बची रही, अब तो कर डालो स्वाभिमान का जीवन। जितने साल बचे, जितने साल जिंदगी के बचे हैं, स्वाभिमान से जिए, यही हमारा लक्ष्य है। आइडेंटिटी होना चाहिए, आइडेंटिटी के लिए एक रूपता होनी चाहिए। मैं सारी जिम्मेदारी आदरणीय चंद्रबोधी पाटिल सर को देता हूँ, वो अपनी बात रखेंगे तो उसमें ये बात जरूर कवर करेंगे कि हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हम तो सर जो भी राष्ट्रीय संगठन आगे आके काम करेगा, हम उसके साथ हैं। RPDS काम जरूर कर रहा है, बहुत सारे स्टेट में काम कर रहा है, हमारे फॉलोअर्स, हमारे काम करने वाले, हमारे वर्कर्स बहुत हैं, बहुत हैं। लेकिन राष्ट्रीय संगठन जब कभी आगेगा, जैसे हमारी ताई ने कहा कि हम तो डिजॉल्व हो जाए, हमारा कुछ नहीं है, हम नाम के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम काम के लिए काम कर रहे हैं, भारत को सही माने में एक बौद्ध राष्ट्र बनाना है, शुरुआत तो करें, शुरुआत करें, छोटी से छोटी शुरुआत होनी चाहिए। वो चिड़िया की कहानी जैसे, क्योंकि आग लगी है जंगल में और चिड़िया चोंच से बुझाने जा रही है, तो लोग तो हंसेंगे ना, तो हमारे लिए भी हंसते होंगे, क्या कर लेंगे RPDS के लोग। लेकिन आज दिख रहा है, आज दिख रहा है, जब इतिहास लिखा जाएगा, तो चिड़िया ने कहा जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, मरूंगी तो मैं भी, आग में तो जलने वाली हूं मैं भी। तो वो कहानी याद करके हमें काम करना है, भले छोटा सही शुरुआत करें, सही दिशा में सही काम, शील का आचरण करें, और उसके साथ में 10 पारमिता और अष्टांगिक मार्ग का ये भूलना नहीं है, किसी भी संस्कार में ये तो रखना ही है। क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं तो ये त्योहार से क्या होने वाला है, संस्कार से क्या होने, नहीं, त्योहार संस्कार से तो आइडेंटिटी बनेगी। ये धम्म का जो रस है, अष्टांगिक मार्ग का जो रस है, ये छिलके के अंदर होना। आज संतरा है ना, संतरे का शहर है ये, संतरा कैसे सुरक्षित है भाई, यदि छिलका नहीं रहेगा तो संतरा बचेगा क्या? बस ये छिलका निर्मित करना है, छिलके के लिए ही सही, ये हमारे त्योहार और संस्कार होना चाहिए, एक आइडेंटिटी फॉर्म करना चाहिए। इतना ही कहता हूँ, आप सबका आभार मानता हूँ, आप मुझे ध्यान से आपने सुना, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़कर इसको इम्प्लीमेंट करना है। गाँव गाँव चले जाइए, हमने एक नारा दिया है, घर घर बुद्ध, गाँव गाँव संविधान, संविधान बचेगा तो हम बचेंगे और बुद्ध को घर घर पहुँचाएंगे। इन्हीं बातों के साथ सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, नमो बुद्धाय, जय भीम।